16 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में आज पिपरिया में विजय दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र और शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए, बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम नगर के आरएनए स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी, पत्रकार और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को 1971 के युद्ध की झलकियां बताई गईं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का अभिभाषण नगर पालिका अध्यक्ष राजीव जायसवाल द्वारा पढ़ाया गया। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा बताया गया कि 16 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की गई। वहीं वर्तमान समय में कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन आज देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा। उसी जीत को पूरा हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। 48 पूर्व भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे गए युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में शहीद जवानों को हम श्रद्धा सलूट करते हैं। सन 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक सैन्य संघर्ष था। यह संघर्ष 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ढाका में पाक सेना के समर्पण के साथ समाप्त हो गया। इस युद्ध की शुरुआत में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले किए। इसमें भारतीय सेना का पाकिस्तान से पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चों पर संघर्ष हुआ। दिवस मनाया गया 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरह से हमारी भारतीय सेना ने करीब करीब 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था, जो कि विश्व इतिहास में एक अनोखी घटना थी, हमारे भारत के शौर्य की एक अभूतपूर्व घटना थी। उस दिवस को याद करने के लिए, विजय भारत की विजय के लिए आज 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन की पहल पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हमारा आज यहाँ पे हुआ है। हमने वीर सैनिक जो हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देकर और इस कार्यक्रम को उनकी याद में ये कार्यक्रम मनाया है।